निकाय का रण योगी का प्रण, सीएम योगी आदित्यनाथ पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में करेंगे चुनाव प्रचार, पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक, कई अन्य कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक के बाद एक दौरे करेंगे, कई जिलों में जाकर के जनसभाएं करेंगे और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की पुरजोर कोशिश रहेगी कि एक एक सीटों पर जाकर के सरकार के तमाम नेता, तमाम मंत्री जाकर के जनता के बीच में जाएं, जनसभा करें और जो बीजेपी की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाएं। और इसी कड़ी में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जनसभा करने के लिए उतरते हैं तो वाकई ही समीकरण बदलते हैं और इसी के साथ साथ जनता पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है उनके भाषणों का। और इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनावों को देखते हुए खुद मैदान में उतरे हैं, क्योंकि ये निकाय चुनाव आगे के लिए लिटमस टेस्ट है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है। सुबह 11:20 पर आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सुबह 11:50 पर पुलिस लाइन मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर 12:00 से मथुरा के बीएन पौधार कॉलेज में जनसभा होगी और दोपहर 1:35 पर फिरोजाबाद के सीएल जैन कॉलेज में जनसभा की जाएगी। दोपहर 3:15 पर आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा होगी। तो ये हमने आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बड़ी बात यह है कि इस जनसभाओं के माध्यम से क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं और इसी के साथ साथ विपक्ष को कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से निकाय चुनावों को देखते हुए कई आरोप लगाए जा रहे हैं। और महेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं मथुरा से, जानकारी ले लेते क्या कुछ तैयारी चल रही है। महेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं मथुरा और मथुरा आकर के वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, इसके अलावा भी जो अन्य कार्यक्रम होंगे उसके बारे में भी बताएं। देखिए हम इसमें जहाँ पर कार्यक्रम स्थल बीएन पौधार इंटर कॉलेज है यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर पद के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल उनके समर्थन में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अभी मुख्यमंत्री का जो 11:50 है यहाँ पर पुलिस लाइन पर हेलीपैड है, वहाँ पर मुख्यमंत्री 11:50 पर पहुंचेंगे और वहाँ से फिर सिविल लाइन से यहाँ पर बीएन पौधार इंटर कॉलेज यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा के साथ साथ यहाँ पर जो भाजपा के संगठन के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी उनकी बैठक है, उनसे वार्तालाप भी करेंगे। यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी का कुछ विरोध भी बताया जा रहा है, क्योंकि जो अन्य मेयर पद के प्रत्याशी थे उनको टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिलने से कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। संगठन में कुछ अंदर खाने ऐसी चीजें हैं कि जो मतभेद भी दिखाई पड़ रहे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूर करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर बात की जाए जो मथुरा बिजवासियों की, बिजवासी अब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो बिजवासी उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं और लड़ाई रहते हैं। और आज भी यहाँ पर हम इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, यहाँ पर दिखाना चाहेंगे अभी लोग जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और ये सामने इस जगह पर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच करके ये जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी जो की विनोद अग्रवाल यहाँ के मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल महेश, हम देख पा रहे हैं कार्यक्रम स्थल को, काफ़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना भी है और इसी के साथ साथ पंडाल भी सज चुका है, बस कुछ ही घंटों की देरी है फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे। क्योंकि महेश आप बता रहे हैं कि यहां पर कुछ लोग अभी नाराज चल रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं और ऐसे में वो समीकरण ना बिगाड़े उनको मनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी अयोध्या में भी देखा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में जाते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह से बगावती शुरू रहे थे तो वहां पर भी जो बागी थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया, वहां पर भी समीकरण बदले। तो इस प्रकार से यहां पर भी अब तस्वीरें देखने को मिलेंगी मथुरा में भी कि जो बागी होंगे वो अपना पर्चा वापस ले लेंगे। देखिए कीर्ति, हम आपको बता दें यहाँ पर जो नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी हैं यहाँ पर सिर्फ विनोद अग्रवाल प्रत्याशी, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया अन्य लोगों ने जो यहाँ पर प्रबल दावेदार थे उन्होंने अपना यहाँ पर प्रयास किया था कि उनको यहाँ से मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाए,
यहाँ पर अगर बात की जाए मतभेद की, संगठन में मतभेद की, वो मतभेद है जो कई प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला उनको नाराज दिखाई पड़े हैं। संगठन के लोग भी चाहते थे कि उनके जो चाहते हैं जो भी है उनको टिकट मिले, किसको टिकट नहीं मिला है तो उसकी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ जनसभा के साथ साथ में संगठन के पदाधिकारी उससे साथ बैठ करके ये मतभेद जो भी आपस में है उनको दूर किया जाएगा। और जब भी मुख्यमंत्री जी किसी को भी यहाँ दिशा निर्देश करते हैं तो यहाँ जो भी संगठन के लोग हैं मुख्यमंत्री की बात को मानते भी हैं, और यहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे और तब जनसभा को संबोधित करने के बाद संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ जो मतभेद है भाजपा में दूर होते दिखाई पड़ेंगे। जी महेश, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कैसी तस्वीरें नजर आती है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो एक प्रोटोकॉल रहता है, एक पूरी जांच की जाती है उनके पहुंचने से पहले ही, उस प्रकार की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? ठीक है, हम आपको दिखा दें, हम आपको बताना भी चाहेंगे, दिखाना भी चाहेंगे। आप सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर छप्पे छप्पे पर पुलिस तैनात है, और देखिए जहाँ पर जीना देखेंगे हर तरफ पुलिस के लोग मुस्तैद हैं और चारों तरफ पुलिस के लोग दिखाई भी पड़ रहे हैं। अब बात की जाए अगर यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग की बात की जाए, उनके बारे में बात की जाए कि वो लोग किस तरह की चेकिंग चलाई, तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया के लोग यहाँ अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी जो प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी माइक आईडी भी चेक की जा रही है, भी सुरक्षा में चूक ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है, और यहाँ पर आने वाले लोगों को जितने भी लोग हैं उनकी जांच करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बिल्कुल, बदलती परिस्थितियों के मुताबिक अब कई सभी चीज़ों पर, सभी एंगल्स पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है महेश, आपका शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे मथुरा और जनसभा को संबोधित करेंगे तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।